आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। जीना जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। 62 वर्ष की उम्र में ऐसी फुर्ती जो देखते ही बनती है। देश के लिए खेलने की उम्मीद सतपाल सिंह के मन में आज भी बरकरार है और जीना इसी का नाम है। दरअसल टोहाना के शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब द्वारा गांव समेण में एक दिवसीय कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए 200 मीटर रेस का भी आयोजन किया गया। इस रेस में ही सतपाल सिंह ने भी हिस्सा लिया। पतले दुबले सतपाल सिंह जब दौड़ते हैं तो अचानक ही हवा से बातें करने लगते हैं। जहां उम्र के इस पड़ाव में लोग जीने का हौसला छोड़ देते हैं, उसी उम्र के पड़ाव में सतपाल सिंह देश के लिए सोना जीत कर लाने की बात करते हैं। सतपाल सिंह का कहना है कि देश और प्रदेश की सरकारों को बुजुर्गों के लिए ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाते रहना चाहिए ताकि उनका हौसला बना रहे। आपको बता दें कि 62 वर्षीय सतपाल सिंह मैराथन दौड़ में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि बचपन से ही उनका सपना था कि वो एक एथलीट बने। अपने सपने को पूरा करने के लिए वो हमेशा से ही कोशिश करते रहे। 2009 में वो मुंबई में आयोजित मैराथन दौड़ में 42 किलोमीटर दौड़कर गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा किया। क्या मेरी बेस्ट मैराथन 42 किलोमीटर बम्बई में वसई विरार में बेस्ट टाइम उसमें 3 घंटा 24 मिनट में कम्प्लीट किया, उसमें गोल्ड मारा मैंने। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ गोल्ड मारता हूँ, और मेरे को JSW कंपनी स्पॉन्सर करती है, वो हमारा आने जाने का खर्चा करती है। मन में ये कर लिया कि हमें ये नाम कमाना जरूर है, ये फिर मेरे सपने में भी ये खर्चा मैं तैयारी करूँगा पूरी, और इसका मैं गोल्ड मेडल जीत कर रहूँगा। इसलिए मैंने दिन रात मेहनत करी, सुबह शाम लगातार अच्छा ठीक खाना खाया मैंने, बैल और शराब वैसे सेवन नहीं किया मैंने, प्रैक्टिस की लगातार और हमें कामयाबी मिली। हमें कोई सहायता नहीं मिल रही, हमें JSW कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, वही सहायता कर रही है। अच्छा, मैं बाहर लग जाने का सपना है मेरा, बाहर भी जा सकता हूँ सरकार यदि मुझे सहयोग दे तो। 62 एज उम्र है मेरी। वहीं इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जाने माने वकील आफताब सिंह खारा भी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो खिलाड़ियों को उनके हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहरहाल सत्य खबर सतपाल सिंह के इस जज्बे को सलाम करता है। सत्य खबर के लिए टोहाना से सुशील की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।